जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। ॐ गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ज्ञान योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन प्रत्येक इकाई में आत्मा के उपस्थिति के और हर आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति के अवधारणा का ब्रह्मात्मक भावना के रूप में जाना जाता है, या ब्रह्मात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। यदि इसी ज्ञान के साथ सारे कर्म किए जाएं तो वे सारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। ऐसे कई प्रबुद्ध लोग हैं जो इसी अवधारणा पर अपन पूरा ध्यान रखते हैं, अपने कर्म करते हैं और अपने कर्मों का यज्ञों के रूप में परिवर्तित करते हैं, और इससे अतीत और वर्तमान में कर्मों के कारण होए वाले बंधनों से मुक्ति पावते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमका प्रत्येक कर्म का यज्ञ के रूप में परिवर्तित करें और बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षाओं पर ध्यान रखते हुए अपने सभी कर्म परमात्मा की सेवा के रूप में करे के प्रतिज्ञा लेके, जिससे कि सब कर्म यज्ञ के रूप में बन जाएं, आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का ज्यों के त्यों दोहराए। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। श्रीमद् भगवद् गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण,
अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मा शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। ॐ अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पर जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।